So I welcome all of you to the fourth lecture of Ray Optics, and today we are going to solve problems based upon what we studied in the last three lectures. Last three lectures में हमने पढ़ा reflection of light, Ray Optics lecture number 5. Okay. तो आखिरी के तीन लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आखिरी के तीन लेक्चर में हमने पढ़ा कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है प्लेन सरफेस पे और कर्व सरफेस पे वो कैसे होता है, उससे इमेजेस कैसी बनती है और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उस टाइप के आज हम क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मिरर फॉर्मूला भी समझाया और मिरर फॉर्मूले के साथ साथ मैंने आपको और क्या समझाया भाई? हाँ, मिरर फॉर्मूले के साथ साथ मैंने आपको मैग्निफिकेशन के बारे में भी बताया। ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू सना, समाधान, तन्वी, प्रसाद और जो जूम पे देख रहे हैं लेकिन उनको जूम पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, उनको मैं यूट्यूब की लिंक दे देता हूं। ओके, चलो भाई, लेट अस स्टार्ट। मैं क्वेश्चंस आपके सामने लिखने वाला हूं और आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक क्वेश्चंस and I am sincerely hoping that you have already watched previous three lectures. आपने इसके पहले के तीन लेक्चर देख रखे, ये मान के मैं अभी क्वेश्चंस दे रहा हूं। ओके, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने। ओके, इजी क्वेश्चन दूं क्या? पहला क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। ए पर्सन ऑफ हाइट 1.6 मीटर स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, व्हाट शुड बी मिनिमम साइज ऑफ द मिरर टू सी हिमसेल्फ कंप्लीटली इन द मिरर, व्हाट शुड बी द मिनिमम साइज ऑफ मिरर टू सी हिज कंप्लीट इमेज, टू सी हिज कंप्लीट इमेज। ओके, आप बोलोगे सर क्या सर ज्यादा इजी नहीं हो गया? थोड़ा ज्यादा इजी हो गया ना, इजी क्वेश्चन है। आप ऑलरेडी ये हम ऑलरेडी ये लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मिरर आपके सामने है तो मिनिमम साइज ऑफ द मिरर कितनी चाहिए। इफ द हाइट ऑफ द पर्सन इज कैपिटल एच, मिनिमम साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड इज h by 2, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आना चाहिए? 1.6 by 2.8 मीटर। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ओके, चलो भाई, मुझे लगता है इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे सीधा अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं। ओके ओके, हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड due to two inclined mirrors inclined at 60 degree if an object is placed on angle bisector। चलो अब इसके बारे में थोड़ा तो तुमको सोचना पड़ेगा क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, है कि नहीं? चलो बताओ इसका आंसर क्या है। और तेरी आनंद, फरीन, कौस्तुभ सब लोग आंसर बोल रहे पांच 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 पांच। इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, याद है आप लोगों को? मैंने बोला था कि सबसे पहले ये वाला नंबर फाइंड कर लो, 360 बाई थीटा, है कि नहीं? साकेत भी बोल रहा, साकेत समझ गया भाई, तो 10 बार भी पांच लिखेगा या एक बार भी लिखेगा तो पांच ही होगा उसका आंसर, मैं समझ गया। ठीक है, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दूं क्या मैं यहाँ पे? रुको, ओके, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा देता हूं, अभी कलर सैचुरेशन भी बढ़ गया। ओके,
हाँ मैं ये बोल रहा था कि सबसे पहले ये वाला नंबर फाइंड कर लो, यहाँ पे थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, तो ये नंबर कितना आएगा, एन इक्वल टू 360/60, कितना आएगा ये 6। अरे ये इवन नंबर आ गया ना, जब भी इवन नंबर आएगा इवन नंबर में से एक माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा एन माइनस वन, 5। तो ये करेक्ट आंसर है। अगर ये ऑड नंबर आता तो फिर मैं उसमें से एक माइनस नहीं करता अगर वो एंगल बाइसेक्टर पे नहीं होता, क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर पे है, तो ऑड आने के बावजूद भी मैं फिर से एक बार एक माइनस करता। ठीक है, तो वो फॉर्मूला बिल्कुल उसके कंडीशंस के साथ याद रखना है तुमको। अच्छा ये वाला तुम बोलोगे कि सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं थोड़ा इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करूं, रुको लेट मी आस्क यू अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। ओके, देर आर थ्री मिरर्स इन अ रूम, इन ए रूम, टू ऑन एडजेसेंट वॉल्स एंड वन ऑन द टॉप सीलिंग, हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म, हाउ मेनी इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द रूम विल बी फॉर्म, ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द रूम विल बी फॉर्म। अब यहां पे तुम कोई फॉर्मूला वार्मूला यूज नहीं कर सकते, इधर तुमको सोचना पड़ेगा, तो सोचो, मैं सोचने के लिए तुमको 1 मिनट दे रहा हूं। और मैंने हेडिंग चेंज नहीं की यार, लेक्चर नंबर 5 है, मैंने 4 ही लिखा है वहां पे। सोच समझ के आंसर देना पड़ेगा। फरीन ने आंसर दिया है, गिरिजा ने आंसर दिया है, आनंद 412 412, क्या बात कर रहे हो यार। अच्छा 12 12 12 आंसर देना, सोचो भाई, सोच समझ के जवाब दो। जिनको भाई इमेजिन नहीं हो रहा उनको बोलना चाहता हूं मैं, इमेजिन करो ये रूम है, तो मिरर मिरर कहाँ पे पता है क्या, एक मिरर यहाँ पे रेड कलर की वॉल दिख रही है, दूसरा मिरर यहाँ पे येलो कलर की वॉल दिख रही है, और तीसरा मिरर यहाँ पे ये स्काई ब्लू कलर की वॉल दिख रही है, एक मिरर टॉप पे और दो साइड वाले वॉल पे। और आप इमेजिन करो कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ही स्टैंडिंग हियर, उसकी कितनी इमेजेस बनेंगी। लक्ष्मी, जोनाथन आर सेइंग 7, फरीन इज ऑल्सो सेइंग 7, लेकिन भार्गवी और आनंद बोल रहे हैं कि 12। चलो मैं चाहूंगा कि तुम में से कोई एक्सप्लेनेशन दे, कौन एक्सप्लेनेशन देगा, सारंग रेज योर हैंड, जिसको एक्सप्लेनेशन। चलो आनंद भी बोलना चाहता है और सारंग भी, चलो दोनों बताओ कि तुमको क्या लगता है। सर आपण ऑब्जेक्ट आपण एका तीन कंडिशन मध्ये डिवाइड करू शकतो ना, म्हणजे कसं, ऍडजेसंट वॉल चे म्हणजे येलो आणि रेड ला म्हणजे मार्क केले त्याच्या 5 सेंटीमीटर ठेवलं तर ते 90 डिग्री, म्हणजे ऍडजेसंट ते 60/94, मग एका एका फॉर्मेशनसाठी 3 इमेज बनणार आहे, त्याच्या एकाच एकाच फॉर्मेशन 3 सेम कंडिशन आहे, 3 × 3 9। तो तुझं म्हणणं आहे की 9 इज द राईट आन्सर? यस सर। ओके लेट अस सी व्हाट आनंद वांट्स टू से। आनंद स्पीक अप बेटा। सर हाँ, ते दोघांची आता हे 9 झाल्यास पण त्या दोघांच्या इंटरकनेक्टेड इमेज पण होतील ना, वरची आणि खालची, म्हणजे तुझं म्हणणं आहे की ओव्हरलॅप होतील, ओव्हरलॅप पण होतील काही इमेज, तर मग त्या इमेज फॉर्म झाल्या ना, मिररच्या मिरर इमेज। हा मिररच्या मिरर इमेज, मग तुझा तुला काय वाटतं फायनल आन्सर काय येईल? 12। तुझं म्हणणं आहे 12। ओके ओके, आनंद और सारंग का जो आंसर है वो छोड़ के और किसका कोई आंसर है वो एक्सप्लेन करना चाहेगा? लक्ष्मी वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन योर आंसर? प्रियाल, प्रियाल तुमने आंसर ही नहीं दिया बेटा। देखो मैं बोलता हूं, अब मैं जैसे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं ना, उस पर फोकस करो और सोचो कि तुम्हें क्या लगता है।
ये है रूम एसी, ठीक है, ये रूम है यहां पे एसी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को मैं कौन से कलर में दिखाऊं यहां पे, चलो इस कलर से दिखा रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहली इमेज अपन क्या करेंगे, सबसे पहली इमेज अपन इसके मिरर के लिए बनाएंगे, कौन सा, जो येलो कलर का मिरर है ना, ये और ये, तो इसके लिए जो इमेज बनेगी वो इसके ऐसे अपोजिट साइड में बनेगी ना। ऐसे इमेजिन करो कि एग्जैक्टली ना, एग्जैक्टली इस रूम का ही रिफ्लेक्शन उस मिरर में दिखेगा। देखो इस रूम का ही रिफ्लेक्शन उस मिरर में दिखेगा, ऐसे दिख रहा है, इस रूम का ही रिफ्लेक्शन दिख रहा है उधर, ठीक है। अब सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली सेम थिंग विल हैपन फॉर रेड कलर मिरर आल्सो, रेड कलर के मिरर के लिए भी वही होगा, ये रेड कलर का मिरर है इधर, इसका मामला भी वही है। इसमें भी क्या होगा, जो इमेज दिखेगी, इमेजिन करो कि इस उस रूम का ही मिरर इधर दिख रहा है, ठीक है। तो रुको मैं उसका मिरर कैसे निकालो यार, ये देखो ये उसका ही मिरर इधर दिखा, यस सर, ओके ओके, ये दिख गया रेड वाले का। वैसे अभी जो ऊपर वाला का कलर क्या दिया था मैंने, मैं एक काम करता हूं इसका गुलाबी कलर लेता हूं, तो ऊपर भी उसकी इमेज बनेगी ना, उसी रूम की ऊपर एक इमेज बनेगी, तो उसी रूम की मैं एक और ऊपर इमेज बनाता हूं, ये देखो ये ऐसे इसको यहां पे लगा दिख रहा है। आई थिंक अभी तुमको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, दिख रहा है तुम लोगों को। तो एक जो सेंटर की जो रूम थी, ये एक्चुअल रूम तो यही है अपनी, ये अपने रूम है एक्चुअल, लेकिन उसके दो तीन इमेज बन गए, एक इधर बन गया और एक ऊपर बन गया, ठीक है। अब ये तीन तो पक्की इमेज है, लेकिन ये जो रेड कलर का मिरर इसमें एक इमेज बन चुकी है, लेकिन ये जो इमेज है इस इमेज की भी तो इमेज बनेगी ना इधर। Am I making sense or is it getting overboard? इसकी इस साइड में एक इमेज बनेगी ना, इसके पीछे साइड। Yes, sir. अब मैं इसको घुमा नहीं सकता यार, ये 3D में होना चाहिए था, बहुत मजा आता, मैं तुमको घुमा के दिखाया था इसे। तो एक इमेज जो है वो इधर बनेगी ऐसी, एक इधर ऐसी इधर, और वैसे ही ये चार जो है, ये चार, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ये इमेज, इसकी एक इमेज इधर बनेगी, इसकी इधर ओवरलैप होगी, और इन चारों के ऊपर चार इमेज बनेगी ऐसी, इधर 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 इधर, ये नीचे चार, इसके ऊपर चार, तो इस ये टोटल कितने हो गए, आठ हो गए, ये नीचे चार ऊपर चार, इन आठों में एक ऑब्जेक्ट है, तो बाकी की सात इमेज, तो आंसर आएगा 7 इमेजेस। समझा कि नहीं समझा सर, पर अगर एंगल बाइसेक्टर मेंशन नहीं किया है ना, फिर भी वही आएगा आंसर, एंगल बाइसेक्टर मेंशन नहीं किया, फिर भी ये है। देखो मैं तेरे को बोलता हूँ, थोड़ा डायग्राम को थोड़ा मैं एक काम करता हूँ, मैं डायग्राम ना थोड़ा सुटसुटीत काट दूंगा, मैं डायग्राम जी काट ली ना कि बारा चलाना खूब कॉम्प्लिकेट पन वाटत असेल, ठीक है, थांबा एक सेकंड, डायग्राम परफेक्ट आले ना कि मग टेंशनच नाही। ओके ये बघा, आता डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट येणार, परफेक्ट क्यूब दिसतोय, ओके। आता हा जो परफेक्ट क्यूब है, प्रतीक्षा व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट डू यू वांट टू से,
अभी तुम एक ऐसा इमेजिन करो ना यार, ऐसा इमेजिन करो, रुको रुको, अभी मेरे को एक आइडिया आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया। इमेजिन करो ये तुम्हारा वर्टिकल एक्सिस है, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये तुम्हारा ये एक्सिस है। कितने एक्सिस हो गए? ये तीन एक्सिस हो गए, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। अभी ये जो तीन एक्सिस है ना, आता मला सांग आनंद इकडे बघा, जर तू याला असं वरून बघितलं तर असं दिसेल ना, इथे रूम आहे तुझी, राईट, या रूमचा एक इकडे इमेज बनते, इकडे एक इमेज इकडे बनते, याची एक इमेज इकडे बनते, याची एक इमेज इकडे बनते। हा ऑब्जेक्ट आहे, याची ही इमेज आय वन, ही इमेज आय टू, आणि ह्या इमेजची एक इमेज बनते आय थ्री, ह्या इमेजची एक इमेज बनते आय फोर, पण ह्या दोन्ही ओव्हरलॅप होतात इथे, कळतंय का? कारण कारण हा तुझा मिरर आहे आणि हा पण तुझा मिरर आहे, याची इमेज इथे बनली आणि याची इमेज इथे बनली, आणि त्या दोन इमेज ज्या होत्या आय वन आय टू, त्या दोन आय वन आय टू ची इमेज एक इथे बनली आय थ्री, त्यालाच ओव्हरलॅप होईल, ते परपेंडिक्युलर, ते सेक्टरला असो की नसो, ते बाय सेक्टरला असो की नसो, ते इमेज ओव्हरलॅप होणार, होणार म्हणजे होणार, ओव्हरलॅप होणार म्हणजे होणार सर, थोडं पुढे शिफ्ट असलं ते होऊ दे ना, तरी बी होणार, बघ तू डायग्राम काढून बघ, अरे दरवेळेस रेक्टॅंगलच बनेल, दरवेळेस रेक्टॅंगलच बनेल ना असं, हा ऑब्जेक्ट, ही इमेज बनली आय वन, याची इमेज बनली इकडे आय टू, आणि हिची ही इमेज इकडे बनली आय थ्री, याची इकडे, दरवेळेस असा रेक्टॅंगल तयार होईल ना बेटा। हा जो ऑब्जेक्ट आहे याची इकडे इमेज बनेल, एक इकडे बनेल, एक इकडे बनेल, एक इकडे बनेल, असा रेक्टॅंगल तयार होईल, हा रेक्टॅंगल बनल्यामुळे हा आय वन, हा आय टू, आणि आय टू ची इमेज आणि आय वन ची इमेज जी येते आय थ्री आय फोर, त्या दोन्ही ओव्हरलॅपच होणार आहे, त्या खाली ज्या चार इमेज आल्या त्याच्या वर चार इमेज तयार होतील, कळतंय का? वर चार, तर टोटल किती झाल्या त्या, याच्या वर इथं एक, इथं एक, इथं एक, इथं एक, एक इथे, एक इथे, एक इथे, एक इथे, अशा, त्यापैकी एक ऑब्जेक्ट आहे, तर बाकीच्या सात उरलेल्या इमेज आहेत ना, आलं लक्षात? मला वाटतं आता कळलं असेल तुम्हाला, आय होप। तनिष बोल रहा है कि सर इमेज का इमेज कैसे बना, अरे टमाटर इमेज का इमेज कैसे नहीं बन सकता, ये जो आई वन है ये इमेज है और ये मिरर है ना, तो मिरर इमेज की इमेज मिरर में बन सकती है ना, बन सकती, क्यों नहीं बन सकती? अब तेरे हाथ में मोबाइल है और तू आईने के सामने खड़ा है, तो मोबाइल के स्क्रीन पे अगर तेरी इमेज बनी तो उसकी इमेज आईने में नहीं बनती क्या? बनती है ना। आता कसं माहिती का, याच्यामध्ये तुमचं थ्री डी इमॅजिनेशन लय स्ट्रॉंग पाहिजे राव, जर तुमचं थ्री डी इमॅजिनेशन स्ट्रॉंग असेल तुम्हाला एक्झॅक्टली कळलं असेल मला काय म्हणायचं, की या ऑब्जेक्टची इथे आय वन बनली, इथे आय टू बनली, या दोघांची इथे बनली, और फिर क्या हुआ, इसकी इधर बन गई ऊपर, इसकी ऊपर बन गई, इसकी ऊपर बन गई, और इसकी ऊपर भी बन गई, क्योंकि ऊपर भी एक मिरर लगा दिया ना इसलिए, अंडरस्टूड? चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन देखेगा, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन, सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं फिर से, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर, ऑन ए प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, वन ट्वेंटी, आर यू श्योर? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया, 30 डिग्री, इंसिडेंट रे इधर चला जाएगा, तो रे का ओरिजिनल पाथ क्या था, ओरिजिनल पाथ ये था, इतना डेविएशन हुआ ना,
हाँ करेक्ट, ये 30 तो ये भी 30, तो ये डेल्टा आ जाएगा 180 माइनस 60, 120 डिग्री इज द राइट आंसर, करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन पे चले, ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी इसमें तुमको सोचना पड़ेगा, ये भी प्लेन प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। टू प्लेन मिरर्स ए एंड बी, इफ यू वांट टू राइट इट डाउन विथ मी, राइट डाउन, टू प्लेन मिरर्स ए एंड बी, टू प्लेन मिरर्स ए एंड बी आर अलाइंड पैरेलल टू ईच अदर, आर अलाइंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, अ लाइट रे, ठीक है, अ लाइट रे इज इंसिडेंट एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, अ लाइट रे इज इंसिडेंट एट एंगल 30 डिग्री एट अ पॉइंट जस्ट इनसाइड वन एंड ऑफ ए, जस्ट इनसाइड एट वन एंड ऑफ ए। तुमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द रे अंडरगोज रिफ्लेक्शन, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द रे अंडरगोज रिफ्लेक्शन, और मैं तुमको डायग्राम भी दिखा रहा हूं, यहां पे डायग्राम ऐसी है, दिस इज द ए, दो ए और बी मिरर है, ए बी, रे ऐसा इंसिडेंट हुआ यहां पे इस एंड पे, कितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ, 30 डिग्री, ये टोटल लेंथ दी है 2√3 मीटर और ये डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर। चलो सोचो, आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू थिंक अबाउट इट। Let us see if you can answer this or not. Options batao kya? Bahut pass mass mein option. Option A, B, C, D. Option aise diye. 28, 30, 32, 34. Sarang is saying, Sarang is saying answer is 30. Let us see. Two plane mirrors A and B are aligned parallel to each other. तुमको बस क्या करने का पता है क्या? ये reflection होगा इसका यहाँ पे इधर. जितना angle से आएगा, उतना angle से reflect होगा. उतना ही फिर से reflect होगा. उतना फिर से reflect होगा. ऐसे कितनी बार reflection चलता रहेगा? कितने रिफ्लेक्शन होंगे? 30. श्योर? यस। कैसे किया तुम लोगों ने? तुमने ये डिस्टेंस फाइंड किया होगा? 2/0.2/√3 है। अच्छा, ये 0.2 मीटर है, तो ये कितना आएगा? ये ऐसा ट्रायंगल है कि 0.2 मीटर, ये 30 डिग्री, तो अपोजिट साइड क्या होती है, कैसे निकालते हैं अपन? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज इक्वल टू टेन 30, टेन 30 इज 1/√3, अपोजिट कितना आएगा, एडजेसेंट अपॉन रूट थ्री, दैट इज 0.2/√3, ठीक है, ये आ गया। तो हर 0.2/√3 के बाद एक रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद उतने ही इसके बाद एक और रिफ्लेक्शन होगा, उतने ही इसके बाद एक और रिफ्लेक्शन होगा, फिर उतने ही इसके बाद एक और रिफ्लेक्शन होगा। सो एवरी 0.2/√3 पे एक रिफ्लेक्शन हो रहा है,
एवरी 0.2 अपॉन रूट 3 पे एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 2√3, तो टोटल रिफ्लेक्शन कितने हो गए, 2√3 अपॉन 0.2√3 ना, रूट थ्री ऊपर चला जाएगा, रूट थ्री ऊपर चला जाएगा, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना होगा, 3 अपॉन 0.2, तो 0.2 से डिवाइड करो कितना आएगा, हाँ ये 30 आ जाएगा। इसका मतलब हर 0.2 अपॉन रूट थ्री के बाद एक रिफ्लेक्शन, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 30। करेक्ट है, करेक्ट है, गुड, नाइस। रुको मैं आंसर देखता हूं इसका सही है क्या, तुम लोगों ने जो दिया क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है सेकंड ऑप्शन, करेक्ट आंसर है, राइट। चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अभी मैं स्पेरिकल मिरर पे आता हूं, अभी प्लेन मिरर डिस्कस कर रहे थे, लेट अस कम टू स्पेरिकल मिरर। एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर टॉल, देखो हा, एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अपराइट इमेज, देखो हा इमेज कैसे बनानी है, अपराइट, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अपराइट इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर हाइट, ऑफ 3 सेंटीमीटर हाइट, वन नीड्स, तुमको बताना है कौन से टाइप का मिरर चाहिए, कॉन्वेक्स की कॉनकेव, और तुमको यह बताना है कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना चाहिए, वन नीड्स व्हाट काइंड ऑफ मिरर एंड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर शुड बी, रेडियस ऑफ कर्वेचर शुड बी व्हाट, ऐसा क्वेश्चन। चलो सोचो, पेंसिल की चार्जिंग हमेशा खत्म होती लेक्चर के बीच में, थिंक अबाउट इट, गुड क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अपराइट इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर हाइट, वन नीड्स व्हाट काइंड ऑफ मिरर एंड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर शुड बी व्हाट, और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मुझे बताओ किस टाइप का मिरर लगेगा, किस टाइप का मिरर लगेगा, कॉन्वेक्स लगेगा कि कॉनकेव, प्रियल इज सेइंग कॉन्वेक्स एंड आनंद इज सेइंग कॉनकेव, प्रियल लेट मी रिमाइंड यू, कॉन्वेक्स मिरर में बेटा याद करो, कॉन्वेक्स मिरर में मैग्नीफाइड इमेज आती है क्या, कॉन्वेक्स मिरर में कभी मैग्नीफाइड इमेज आती है, हमेशा इमेज डिमिनिश्ड होती है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर तो नहीं होगा ना यहां पे, क्योंकि तुम्हें जो इमेज चाहिए वो कैसी चाहिए, वो चाहिए तुमको 3 सेंटीमीटर हाइट, मतलब उसका मैग्निफिकेशन चाहिए ना तुमको, 3 टाइम्स मैग्निफाई करना है तुमको, मैग्निफाइड इमेज चाहिए, तो मैग्निफाइड इमेज तो यार कॉन्वेक्स में नहीं बनती, तो कॉन्वेक्स तो नहीं आएगा, मैग्निफाइड इमेज कॉनकेव में बनती है, और ऊपर से कॉनकेव में तुमको इमेज भी कैसी चाहिए, 3 टाइम साइज की, ये तभी होता है जब फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट है, फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा इधर जाएगा, ऐसा इधर जाएगा, इसकी बैक ट्रेसिंग करो, इसकी बैक ट्रेसिंग करो, तब जाके तुमको अपराइट और वर्चुअल इमेज मिलती है, वो अपराइट होती है और वो मैग्निफाइड होती है। अब इन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी है
इसके हिसाब से तो हमें चाहिए कॉनकेव. तो पहले का आंसर तो आ जाएगा व्हाट काइंड ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर. अब उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी. अब ऑब्जेक्ट की साइज 1 सेंटीमीटर है और उसको 4 सेंटीमीटर के सामने रखा हुआ है, मतलब ये डिस्टेंस कितना दिया यू, 4 सेंटीमीटर. अब मुझे बताओ यू 4 सेंटीमीटर है तो वी कितना होना चाहिए, 3 times साइज चाहिए ना तुमको. मैग्निफिकेशन कितना चाहिए, ट्रिपल. ट्रिपल मैग्निफिकेशन मतलब 12 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी. तो इक्वेशन यूज करो 1/v + 1/u = 1/f. तो u लेफ्ट में तो -4, v राइट में तो +12 = 1/f. देखो इससे f कितना आता है, 1/f = क्या आ जाएगा इससे, कैलकुलेट करो, 4 × 3 = 12, नीचे 12 आएगा, 1 - 3 हो जाएगा -2/12. तो अल्टीमेटली तुम्हारी फोकल लेंथ कितनी आएगी, -6 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ -6 क्योंकि फोकस लेफ्ट में है ना, इसलिए माइनस आ गया. फोकल लेंथ अगर 6 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, 12. रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, 12 सेंटीमीटर. So you need a mirror that is concave and you need a mirror that has radius of curvature 12. Got it, everybody? Understood? Arvind, 24 centimeter radius of curvature nahi, 12 centimeter. Kyunki uska focal length 6 aa rahi hai beta. Okay, let me give you one more question. Thoda interesting question deta hu main aur. Abhi apan spherical mirror pe aa gaye hain. Chalo, mere saath likho agla question. ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, सोच समझ के दो इसका जवाब. ए कार इज फिटेड विथ, तुमको पता ना जो कार के जो मिरर होते हैं साइड में उन पे लिखा होता है द ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लोजर देन दे आर, और उस पे नोटिस लिखी होती है. देखो तो कार में जो मिरर होते हैं ना वो कॉन्वेक्स होते हैं. The car is fitted with a convex mirror. तो usually ना convex mirror जो image बनाता है वो diminished image होती है, small image, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था तुमको, छोटी image बनती है convex mirror में. तो पूरे car का mirror जो होता है उसमें तुमको पीछे truck भी है तो वो पूरा truck दिखाई देता है उसमें, ठीक है, और तुमको दिखाई देता है इतने distance पे. कार इज फिटेड विथ अ कॉन्वेक्स मिरर, कार इज फिटेड विथ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. पे अटेंशन, गणेश बोल रहा है कि सर आंसर 12 आना चाहिए कि -12. बेटा सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ लेना तो तुमको प्लस माइनस बताने की जरूरत नहीं. तुमने बोल दिया ना कॉन्केव मिरर है, अब तुमको प्लस माइनस बोलने की क्या जरूरत है. अगर तुमने बोल दिया कॉन्वेक्स है तो तुमको प्लस माइनस बोलने की क्या जरूरत है. कॉनकेव कॉन्वेक्स बोल दिया, प्लस माइनस बोलने की जरूरत नहीं है. अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, अ सेकंड कार 2.8 मीटर बिहाइंड द फर्स्ट कार इज ओवरटेकिंग द फर्स्ट कार, बिहाइंड द फर्स्ट कार इज ओवरटेकिंग इट. Is overtaking it at relative speed of 15 meter per second. एक पीछे की कार है वो तुम्हारी कार को ओवरटेक कर रही है. What is the speed of the image? अब देखो चैलेंजिंग क्वेश्चन है. What is the speed of the image of the second car in the mirror of first car. चलो बताओ इसको कैसे करोगे, सोचो भाई इसके बारे में. I'm giving you 1 minute to think about it. Objects in the mirror are closer than they appear. हाँ ऐसे लिखा होता है. Car is fitted with convex mirror of focal length 20 centimeter. A second car 2.8 meter behind the first car
is overtaking it at relative speed of 15 meter per second. What is the speed of the image of the second car in the mirror of first car? सारंग लेंथ मैटर नहीं करती बेटा. अरे ये यही ले लो ना, इतने डिस्टेंस पे बस, लेंथ का टेंशन मत लो, यही डिस्टेंस ले लो. तुम्हारे कार का जो साइड मिरर है वो है कॉन्वेक्स, जो दूसरी कार है वो उसके पीछे कितने डिस्टेंस पे, 2.8 मीटर के डिस्टेंस पे. और इसकी वेलोसिटी कितनी है, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी दी है, 15 मीटर पर सेकेंड. तो तुम्हें उसकी जो इमेज दिखाई देगी, ऑब्वियसली तुमको इमेज ऐसी दिखाई देगी, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, और ये यही से रिफ्लेक्ट होगा. तुम क्वेश्चन पे फोकस करो बच्चों, तब तक मुझे कॉल उठाना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड. हेलो करूंगे. ओके, ये इमेज, तो इमेज की जो वेलोसिटी दिखेगी वो कितनी दिखेगी, ये वेलोसिटी v1 दी है. आनंद बोल रहे 1/15. आनंद कैन यू एक्सप्लेन, कैसे आया आनंद? अरे आनंद क्या हो गया, माइक नहीं चल रहा क्या? एक्सप्लेन करो बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ एंड एक्सप्लेन. हेलो सर. हाँ बोलो बेटा. हाँ त्याला डिफरेंशिएट केलं सर, 1/u, 1/v, and 1/f च्या इक्वेशन ला. ओके, म्हणजे तू इक्वेशन लिहिलं 1/v + 1/u = 1/f, आफ्टर डिफरेंशिएशन यू गॉट dv अपॉन, म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम केलं का? हां यस सर. dv / dt ना, डिस्टन्स ला. हां dv / dt 1/v² येईल. यस सर. du / dt 1/u² येईल आणि हे 0 येईल, असं आलं का? यस सर. ओके, आता ही जी वेलोसिटी आहे, ही dv / dt ही कोणाची वेलोसिटी आहे? ऑब्जेक्टची म्हणजे कारची. ओके, मग मी तसं लिहितो इथं, ही v1 आहे, ही वेलॉसिटी v2 आहे, ठीक आहे, -1/ ही ऑब्जेक्ट डिस्टन्स चा स्क्वेअर आहे. बाय द वे, डू नॉट गेट कन्फ्यूज बिटवीन वेलॉसिटी v अँड इमेज डिस्टन्स v, इसमें कन्फ्यूज मत हो जाओ. ये 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टन्स स्क्वेअर u, राईट? यस सर. मग तू इथे व्हॅल्यूज पुट केल्या का? यस सर, स्क्वेअर केला, व्हॅल्यूज पुट करून. ओके, इथे v2 माहिती आहे, v2 दास ठेवला. इमेज, इमेज ची डिस्टन्स तुला माहिती आहे किती आहे? इमेज चा डिस्टन्स पहिले काढावं लागेल ना? यस सर, पहिल्या इक्वेशन मधनं पहिले इमेज चा डिस्टन्स काढलं. अच्छा, म्हणजे पहिले इमेज चा डिस्टन्स पहिले काढून घ्यावं लागेल. 1/v + 1/u = 1/f. 1/v = 15/280 येतो. अच्छा, म्हणजे तू यू ची व्हॅल्यू -2.8 मीटर टाकली आणि फोकल लेंथची व्हॅल्यू किती टाकली बेटा? फोकल लेंथ 0.2. याच्यामध्ये यू लेफ्टला आहे, यू मायनस टाकला आणि फोकस राईटला आहे, तर तो प्लस टाकला, राईट? यस सर. तो येईल प्लस, असं येईल, करेक्ट आहे? यस सर. ओके, हे काय येईल, 1/v = डिव्हिजन मध्ये येईल 2.8, याला कितीने मल्टिप्लाय करावं लागतं, 14 ने, 14 + 1 देईल 15/2.8 येईल, राईट? ओके. हॅलो सर. हा बेटा, आवाज येतोय का सर बॅकग्राऊंड? हा बॅकग्राऊंड येतोय आवाज, तर मी म्यूट करतो. लग्न चालू सर, कॉल मी बंद करू का? ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. ओके, सो 1/v की वैल्यू देखो, आनंद ने क्या किया, सबसे पहले 1/v + 1/u = 1/f इक्वेशन यूज किया,
उसमें यू माइनस 2.8 पुट किया क्योंकि कार 2.8 मीटर पीछे थी और फोकल लेंथ प्लस 0.2 क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकस उसका आगे है, उससे उसने 1 बाय वी पहले फाइंड किया। अब उसने फिर 1 बाय वी स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर करके वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो माइनस वी टू 1 बाय वी का स्क्वायर बोले तो 15 बाय 2.8 का स्क्वायर माइनस वी वन कितना है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, ये वी वन है ऑब्जेक्ट की मतलब कार की स्पीड और 1 बाय यू का स्क्वायर मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2.8 पे है तो 2.8 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इससे क्या होगा देखो, माइनस वी टू 15 का स्क्वायर अपॉन 2.8 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1 अपॉन 2.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये 2.8 का स्क्वायर 2.8 का स्क्वायर कॉमन निकल के 0 के साइड में 0 हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या बचेगा माइनस वी टू 15 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1, तो ये इधर जाके क्या होगा प्लस 15 माइनस वी टू इंटू 15 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस 15, तो ये 15 का स्क्वायर 15 गया, वी टू इक्वल टू आएगा माइनस 1 बाय 15 मीटर पर सेकेंड। माइनस मतलब सिर्फ तुमको ये राइट में जा रहा है तो ये लेफ्ट में जा रहा है, माइनस का मतलब इतना है, लेकिन वैल्यू कितनी मिली 1 बाय 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब कार आ रही है पीछे से 15 मीटर सेकंड के स्पीड से लेकिन तुम्हें मिरर में क्या दिखेगा 1 बाय 15 मीटर पर सेकंड स्पीड दिखेगी, तुमको मिरर में स्पीड कम दिखेगी ना, इसलिए उसके ऊपर लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर एंड ऑब्जेक्ट्स आर फास्टर देन दे अपीयर, जितने स्पीड से आ रहे वो उससे कम स्पीड दिखाई देती है मिरर में। ओके अंडरस्टूड सारा, यू वांट टू से समथिंग बेटा? तो इसका मैं तुमको एक सिंपल सा ये बोल देता हूं, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो सिंपल सा फॉर्मूला बोल देता हूं अगर नेक्स्ट टाइम आ गया तो। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इमेज बनेगी यहां, ये इमेज बन गई, तो अगर इसकी वेलोसिटी वी वन है और इसकी वेलोसिटी वी टू है तो वी वन वी टू का जो रेशियो आएगा वो वही होगा जो तुम्हारे लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का आता है। लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन क्या होता है, डी वी और डी यू का रेशियो ना, डी वी अपॉन डी यू। लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन याद है कितना आया था, वो माइनस एम स्क्वायर आया था, माइनस एम वी बाय यू का स्क्वायर। सो लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन विच आई एम गोइंग टू राइट एज एम एल इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर, माइनस वी बाय यू का स्क्वायर। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज वी टू अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वी वन इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू का होल स्क्वायर। रिमेंबर दिस, वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू का स्क्वायर। यहां पे यू कितना दिया था 2.8 मीटर, तुमको वी फाइंड करना था, वी कितना आया था 2.8 by 15 आया आई गेस, क्योंकि 1 by v आया था 15 by 2.8, ये देखो 1 by v आया था 15 by 2.8, 2.8 by 15, तुमको बस इसमें पुट करना था velocity of image upon velocity of object कितनी थी 15 meter per second is equal to minus v कितना था 2.8 upon 15 divided by ये कितना था 2.8 इसका square, 2.8 2.8 cancel, 1 by 15 का स्क्वायर कितना होगा 1 by 225, तो V2 आ जाएगा माइनस 15 by 225 माइनस 1 by 15 मीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर, इफ यू यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला यू गेट द राइट आंसर। गॉट इट, समझे कि नहीं समझे? ओके चलो भाई, चले फिर अगले क्वेश्चन पे, था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, हाँ ये अगला क्वेश्चन जो है वो न्यूटन्स फॉर्मूला पे, बट रादर देन टेलिंग यू न्यूटन्स फॉर्मूला आई एम गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन। न्यूटन्स फॉर्मूला बिना बताए ही मैं तुमको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन ऐसा है, इन ए कॉनकेव मिरर, इन अ कॉनकेव मिरर एन ऑब्जेक्ट इज placed at distance x
at distance x from the focus, and the real image, is formed at distance y from the focus. Distance focus se liya hai, from the focus. Find the correct relation. Options aise diye, f equal to xy, f equal to under root xy, f equal to under root xy by 2, and f equal to under root x by y. Chalo socho, think about it. और नीचे जो चार ऑप्शन दिए ना मैंने, उसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको कहा जाता है न्यूटन्स फॉर्मूला. न्यूटन का फॉर्मूला कहा जाता है. ए कॉन्केव मिरर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द फोकस. Real image is formed at distance y from the focus. Think and then answer. A concave mirror, an object. Have it up. सेकंड ऑप्शन श्योर तो डिराइव केला की डायरेक्ट फॉर्मुला सांगतोय पाटी सर हा फॉर्मुला नाही तो डिराइव नाही केला का f + x1 f + f1 पुट करायचे हा राइट म्हणजे काय करायचं समजा डायग्राम जर काढली तर डायग्राम वरून काय दिसेल दिस इज द कॉनकेव मिरर दिस इज फोकस एंड लेट अस से दिस इज द ऑब्जेक्ट दिस इज सेंटर तो हा डिस्टन्स किती दिलेला आहे x याचा अर्थ u इक्वल टू काय येतो x प्लस f आणि हा आता याची इमेज जी बनेल याची इमेज अशी बनेल ठीक आहे इमेज इथे बनेल i इमेज फोकस पासून y डिस्टन्स वर म्हणजे v इक्वल टू काय येतो y प्लस f फक्त फॉर्म्युलेमध्ये पुट करायचं राईट फॉर्म्युला कोणता आहे 1 बाय v प्लस 1 बाय u इक्वल टू 1 बाय f पहिली गोष्ट तर फोकस पण लेफ्टला आहे ऑब्जेक्ट पण लेफ्टला आहे आणि इमेज पण लेफ्टला आहे तर तिन्हीचे तिन्ही काय येतील मायनस वन बाय मायनस ऑफ वाय प्लस एफ वन बाय मायनस ऑफ एक्स प्लस एफ इक्वल टू वन बाय मायनस एफ तर साईन कन्व्हेन्शन मी पहिलेच लावून घेतलं ठीक आहे तर हे काय होऊन जाईल आपा प्लस प्लस होऊन जाईल आता याला सिम्प्लिफाय करावं लागेल ना तर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कर एक्स प्लस एफ प्लस वाय प्लस एफ आपण काय येईल वाय प्लस एफ इंटू एक्स प्लस एफ इक्वल टू वन बाय एफ हे होऊन जाईल वर येईल एक्स प्लस वाय प्लस टू एफ डिवाइड बाय खाली काय येईल वाय प्लस एफ इंटू एक्स प्लस एफ इक्वल टू वन बाय एफ आता हे वन बाय एफ ला इकडे घेऊन जायचं आणि त्याला तिकडे घेऊन जायचं अब इसको वन बाय एफ को इधर लेके जाओ एफ इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में तो क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस टू एफ इंटू एफ और ये इधर जाएगा वाई प्लस एफ इंटू एक्स प्लस एफ अब इसको सिंप्लीफाइड तो एफ से मल्टीप्लाई करो इसको भी और इसको भी तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा एक्स एफ प्लस वाई एफ प्लस टू एफ स्क्वेयर और इन दो ब्रैकेट को भी निकाल दो फ्री कर दो वाई इंटू एक्स वाई इंटू एफ एक्स वाई प्लस वाई एफ एफ इंटू एक्स एफ इंटू एफ एक्स एफ प्लस एफ स्क्वेअर आता याच्यामध्ये काय काय कॅन्सल होतं बघा एक्स एफ कॅन्सल वाय एफ कॅन्सल एफ स्क्वेअर लेफ्ट प्लस येईल टू एफ स्क्वेअर मायनस एफ स्क्वेअर इज एफ स्क्वेअर इक्वल टू एक्स वाय अल्टिमेटली एफ इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाय दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन्स फॉर्म्युला
जो कि आनंद बोल रहा था कि सर ये फॉर्मूला मेरे को ऑलरेडी पता है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन्स फॉर्मूला, रूट ऑफ एक्स वाई. तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन. ओके अंडरस्टूड. चलो भाई और क्वेश्चन करना है कि लेक्चर को स्टॉप करना है? व्हाट डू थिंक, व्हाट डू से, क्या बोलते हो? शुड वी सॉल्व मोर क्वेश्चन बिकॉज इट्स ऑलरेडी 2 o'clock. आई थिंक वी कैन सॉल्व एटलीस्ट वन मोर क्वेश्चन. एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं. चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, मैं लिख के नहीं देता कुछ, सीधा डायग्राम देता हूं, डायरेक्टली सॉल्व करो, डायरेक्ट डायग्राम. ठीक है डायग्राम ऐसी देखो, ये दिया मिरर, इसके सामने ये दिया ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस दिया 3 meters और इसकी साइज दी 2 meters. ठीक है और क्वेश्चन सीधा दिया है. ठीक है द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस ऑफ फेस पी एंड फेस क्यू, मतलब जो फ्रंट फेस है ना उसको नाम दिया पी और जो बैक फेस है ना उसको नाम दिया क्यू. वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस ऑफ फेस पी एंड फेस क्यू, वॉट इज डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस ऑफ फेस पी एंड क्यू. अरे यहां पे फोकल लेंथ कितनी दी है देखो, फोकल लेंथ 1 meter दी है. चलो फेस पी और फेस क्यू की जो इमेजेस बनेंगी उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? ऑप्शन दिए देख बेटा, ऑप्शन दिए हुए डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस ऑफ फेस पी एंड फेस क्यू 1 meter, 0.5 एंड 0.25. श्योर तुमने क्या किया होगी? सबसे पहले P का इमेज कहाँ पे बनेगा वो निकाला होगा, फिर Q का इमेज कहाँ पे बनेगा वो निकाला होगा. फोकस तो पास में ही है इसका, फोकस के लेफ्ट साइड में ही है ये. तो इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी. ठीक है तो तुमने फोकल लेंथ दिया -1 meter, पहले यू लिया होगा -3 meter, ये पॉइंट फेस फेस पी के लिए, और फेस क्यू के लिए तुमने क्या किया होगा, फोकल लेंथ तो वही रहेगी लेकिन यू -5 meter लिया होगा, ये 2 -5. हाँ तो यहाँ पे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f uf/u-s. तो यहाँ पे v कितना आया मुझे बताओ? -3/2. ओके 1/3 -1 -2/3 -3/2 राइट. यहाँ पे v आएगा -3/2 meter. -5/2. ओके तो यहाँ पे लिखा 1/v -1/5 इक्वल टू -1. तो 1/v इक्वल टू -1 प्लस 1/5. तो -2/5. नहीं सॉरी 4/5. तो v इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा 5/4. तो 1.5 मीटर वाला ये P फेस और Q फेस -1.25 मीटर. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? दोनों के बीच यस 0.25 मीटर. राइट आंसर इज 0.25 मीटर.
करेक्ट। चलो फिर आज यहीं पे रुकते हैं, ओके। आज काफी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस किए अपन ने, बट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आई सॉल्व्ड इन दिस लेक्चर आर नॉट सफिशिएंट। ये सफिशिएंट नहीं है, तुमको तुम्हारे खुद लेवल पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू हैव टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, बिकॉज व्हाट आई डिड टुडे इज नॉट सफिशिएंट। इफ यू वांट वी कैन हैव इवन वन मोर प्रैक्टिस सेशन टुमारो। डू यू वांट इट और शुड वी गो फॉर रिफ्रैक्शन एट प्लेन सर्फेस? प्लेन सर्फेस की तरफ जा सकते हैं अपन, मुझे लगता है काफी हुआ है, आई थिंक तुमको समझ में भी आ गया अभी फॉर्मूले वगैरह कैसे करने। एक और लेक्चर की जरूरत है क्या इसके ऊपर, रिफ्लेक्शन के ऊपर? वरना रिफ्रैक्शन तो शुरू कर ही सकते। ठीक है, लोकेश बोल रहा है कि वन मोर लेक्चर, अच्छा ठीक है मैं एक और लेक्चर लूंगा। आज मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने नोटिस किया, वैसे यूट्यूब पे जो देख रहे उनको गुड डे, स्टे सेफ, स्टे इंडोर, एंड टुमारो वी आर गोइंग टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑन रिफ्लेक्शन ऑन पॉपुलर डिमांड, और क्वेश्चंस करेंगे ताकि कोई डाउट ही ना रहे इसमें, ओके, एंड देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो कल के लेक्चर में प्रैक्टिस होगी, ओके, स्टे सेफ एंड स्टे इंडोर। और जो लोग जूम पे भाई